वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम को कामयाब बनाएंगे और अपनी और आने वाली नस्लों के लिए साफ शफाफ माहौल बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। 20,000 से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएंगे। चौधरी अल्लाह रखा राशिद डिप्टी DEO शकरगढ़ ने निजी स्कूल में पौधे लगाने के बाद नारोवाल से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ीन आजी अरशद, चौधरी लंबरदार, चौधरी मोहम्मद रशीद, चौधरी मोहम्मद निसार, चौधरी मोहम्मद असलाम मिंबर, चौधरी रफाकत ताफ सरवाल, मलक जहां ताफ, दीगर अहल इलाका दई भी मौजूद थे। इन्होंने कहा कि हम शकरगढ़ के स्कूल शाहराओं में हज़ारों पौधे लगाकर अपने इलाके को सरसब्ज़ बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे और इन पौधों की हिफाजत को भी यकीनी बनाएंगे। इन्होंने मजीद कहा कि हम 2022 तक 20,000 पौधे लगाने का टारगेट पूरा कर लेंगे, हर सूरत सरसब्ज़ शादाब पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। इस मौके पर चौधरी अल्लाह रखा राशिद डिप्टी DEO ने मीडिया से खसूसी बातचीत करते हुए कहा। आइए सुनते हैं उनकी जबानी, उन्होंने क्या कहा। जी आज हम मौजूदी इलाका के साथ हाजी निसार साहब, बंदूरी हाजी अरशद साहब, कोई रशीद साहब, नंबरदार इस्लाम साहब, मलक जहां ताब साहब, ये सारे एक निजी स्कूल में क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के तहत 500 पौधों के साथ हम इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमने ये अज़म किया है कि पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब बना के दम लेंगे और ज़ियादा पाकिस्तान के विजन क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के तहत और असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ आमना एहसान तारड़ की सरबराही में इंशाल्लाह हम 20,000 पौधों का जो टारगेट है वो इंशाल्लाह हम इस मार्च में हासिल कर लेंगे। और उम्मीद है कि जिस तरह मौजूदी ने इलाका हमारे साथ तावन कर रहे हैं, ये नंबरदार एसोसिएशन के अहदेदार भी हैं, इन्होंने भी हमसे ये कहा है कि हम स्कूलों को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। हम नेगेटिव बातों की तरफ नहीं जाते, हमें अपना मुस्बत रोल प्ले करना चाहिए और हर बंदा अपने एक पौधे के साथ अगर आगे आता है तो हम एक